पे पाकिस्तान से बंदे आ गए देखो। बोलो अब एकदम रफ ड्राइविंग है ना भाई, टेस्टी व्यू तो बनता है। गड्डी लेके रास्ते पे ये पाकिस्तान को उड़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। मोस्ता ने गाड़ी का नंबर भी खतरनाक ही ले लिया भाई। तो भाई आज का प्लान है कि आज हम जा रहे हैं पठानकोट, तो चलो चलते हैं। जो भी रास्ते में करेंगे आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज है संडे, तो आज तो नहीं होगा ये ब्लॉग अपलोड, कल हो जाएगा, कल भी शाम को होगा, क्योंकि भाई वहाँ पे वाईफाई नहीं है नानी के घर, तो बहुत दिक्कत आती है, और एयरटेल का नेटवर्क भी वहाँ पे बहुत वीक होता है, तो इस करके वहाँ पे अपलोड कैसे करूँगा। तो अब चलते हैं। हमने देखा था कि मैं कल काम करवा रहा था, तो ये टिंट ब्लैक करवाई है मैंने, देखो भाई, और इस साइड भी टिंट ब्लैक, और जो यहाँ पे ठाकुर था लिखा हुआ वो भी हटवा दिया, और यहाँ पे जो भी लिखा हुआ था ऑटो संत वो भी निकलवा दिया। यहाँ पे पाकिस्तान से बंदे आ गए देखो। देखो भाई पठान का बच्चा, ये पठान का बच्चा। मैं घर आ गया था वापस बैग लेने। हंसी है। मम्मी आप अपनी बहन के घर जा रहे हो, कैसा लग रहा है आपको? वाह, जाते जाते लक्ष्मी मिल रही है आपको। क्या भाई लक्ष्मी आई जाए, आपके रिटायरमेंट के पैसे आए। कवर के पीछे लगाया ना मैंने। अभी निकले हैं और मेरे फोन की बैटरी भी लो है, 40%, पता नहीं पठानकोट तक होगी पूरी या नहीं होगी। और ना ही गाड़ी में चार्जर है भाई, और ना ही पावर बैंक है। और भाई अब ना बैग बैग हो गए सारे, और हम आलू लेके जा रहे हैं भाई। हम चंडीगढ़ वालों के लिए आलू लेके जा रहे हैं, और पठानकोट वालों के लिए, क्योंकि देसी आलू आपको पता है हिमाचल के कैसे होते हैं, तो उनको बहुत टेस्टी लगते हैं, तो लेके जा रहे हैं। तो हम निकलते हैं यहाँ से भाई, अभी हम रुके हैं कांतू के पास पानी भरने। तो ये रखे पीछे नाड़ू, और ये रही अपनी गाड़ी। तो भाई वाइपर पे भी हमने पानी भर दिया, और सामने लुक एट दिस व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। तो आज आपको यहाँ पे शॉप भाई बंद दिखेगी, क्योंकि आज संडे है, और ऊपर से स्लाइडिंग भी हुई है। आपको पास से दिखाता हूँ व्यू भाई साहब, देखो और भाई ये देख रहे हो सामने, ये सारा रावी रिवर से पानी आ रहा है, मतलब चंबा से पानी आ रहा है, और यहाँ पे जो है ये सब, ये सारा डैम है भाई। हमने बोतल भर लिया, और बहुत चिल्ड पानी है भाई यहाँ का। तो भाई निकलते अब यहाँ से। तो भाई अभी हम रुके हैं दुनेरा से 1 किलोमीटर पीछे। देखो भाई अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाई है, और यहाँ से व्यू देखो आप। क्या कहते हो जनाब, आप कैसा रहा आपका सफर? अभी तो 25% भी नहीं हुआ है। 25% क्या, दुनेरा तक आ गए, बस 1-2 किलोमीटर बचे हैं। चंडीगढ़ का सोच वाला। हाँ चंडीगढ़ तो दूर है भाई। क्या हाल है मम्मा? आई वॉमटिंग है। बोलो अब एकदम रफ ड्राइविंग है ना, उल्टी होती है। बताओ आया स्वाद? आया स्वाद मम्मा, बोलो यार। भाई यहाँ पे फोटोज क्लिक कर रहे थे, अब निकल रहे हैं यहाँ से। अंकल जी 2 प्लेट भले लगा दो, छोले कुलचे भी हैं सब्जी वाली शॉप पे। तो भाई दुनेरा के फेमस भल्ले हैं, तो करते हैं ट्राई, और उसके बाद छोले कुलचे भी खाएंगे भाई, बहुत भूख लगी है, चंबा से आए हैं। ये ले मम्मा को दे, 2 प्लेट लगा दो, लग जाएंगे, हो जाएंगे ना छोले पूरे, बहुत छोले लगा दो फिर। तो भाई अभी हम आ गए हैं छोले कुलचे खाने दुनेरे के। भाई ये भी बहुत फेमस छोले कुलचे हैं, टेस्ट रिव्यू भी देते हैं। तो क्या बोलते ब्रांडी, भूख लगी है भाई साहब, चने देखो आप, और मिर्च लगी हुई है यहाँ पे। ओहो भाई मजा आ जाएगा, और कुलचे हमारे यहाँ पे आ गए हैं। तो भाई टेस्ट रिव्यू तो बनता है। चटनी है ना, हर कुछ है। तो भाई खाना पीना डन हो गया, अब सीधे चलते हैं पठानकोट, मिलते हैं आपको सीधा। फ्रेंड से गाना मेरे से अक्षर ने लगवाया, बोलता है ये मेरे को डेडिकेट कर। ये पाकिस्तान को उड़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो भाई हम पठानकोट पहुंच चुके हैं, सामने फाटक बंद हो गया है, देखो भाई, देखो भाइयों।
भाई यहाँ पे ट्रेन क्रॉस होने वाली है, तो भाई वेट कर रहे हैं ट्रेन क्रॉस होने का, उसके बाद जाएंगे नानी के घर। यहाँ से 5-6 किलोमीटर ही बचा है, फिर चलते हैं। तो भाई अभी हम रुके हैं थोड़ा सा सामान लेने, तो खाली हाथ कैसे जाएंगे भाई, नानी के घर जा रहे हैं तो कुछ सामान ले लेते हैं। चलो ना, फिर बोला कौन सी चॉकलेट लेनी, ये लेते फ्रूट एंड नट, ये वाली। अंकल जी फ्रूट एंड नट देना, चॉकलेट डेरी मिल्क या कोई और लेनी। ये भी सिल्क भी सही होती है। बिस्किट खाने हैं, इसको खिला प्रांजल बिस्किट। तो ये दो ले लिए, अब सो हो गए ना। सो हो गए, इसको खिला पहले। रुक लेने हैं, अरे बच्चा बिस्किट खाने हैं, ये खा ले। भाई अगर आपको भी कहीं डॉग मिल जाए भूखे, तो उनको जरूर फीड डाल दिया करो, क्योंकि भाई बेचारे भूखे होते हैं, तो ये आपको कैसे बोलेंगे। इसको खिला देते हैं और ले ले खा ले बाय। तो भाई फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं और मौसा भी आ गए हैं। भाई मौसा की गाड़ी लगी है अंदर, लेके जानी थी घर पे, तो कैसे लेके जाएं भाई, इतनी लंबी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है इन्होंने। और देखो भाई सनरूफ भी खुला ही छोड़ गया है, वाह। अगर बारिश लग पड़ी ना, मौसम तो वैसे तो साफ है, मौसा ने गाड़ी का नंबर भी खतरनाक ही ले लिया भाई। यहाँ पे देखो, यहाँ से निकालनी थी गाड़ी, निकालने की जगह ही नहीं है, और इधर लेके जानी थी। कोको कोको ये रहे मासी, मासी हेलो कर दो हमारे दोस्तों को। और भाई हम आए तो मौसा चले गए, वाह क्या बात है। मजाक करो, इनको थोड़ा सा काम था तब गए हैं भाई। तो भाई उस टाइम हम जल्दी जल्दी आ गए, तो रेस्ट कर रहे थे, और क्या बोलते हैं फिर आपको हम मिलवा नहीं पाए नानी से। तो ये है हमारे नानी, नानी हेलो कर दो। हेलो हाय। तो यहाँ पे पूरी सेवा चली हुई है हमारी। तो भाई करते हैं डिनर, राजमा चावल बने, तो भाई मजा ही आ जाएगा डिनर करके। और भाई कल का प्लान है, हम जा रहे हैं कल चंडीगढ़ मासी के घर, तो कल लेके जाएंगे हम गोलू मामू की गाड़ी, क्योंकि भाई स्विफ्ट है, तो स्विफ्ट की एवरेज देती है 18 की, तो हमारी गाड़ी देती है भाई 10 की एवरेज। तो आप खुद सोचो कितना खर्चा हो जाएगा अगर हम अपनी गाड़ी ले गए, तो इसलिए हम कल गोलू मामू की गाड़ी लेके जा रहे हैं। तो ब्लॉग को करते हैं यही एंड, टिल देन बाय।